हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार कंपनियों से चार अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप की न्यूज़ आ रही है, ठीक है। तो वन बाय वन हम सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो कंपनियां हैं, दो तो क्या बोलते हैं, कोडिंग प्लेटफॉर्म है हैकर रैंक और हैकर अर्थ, और माइक्रोसॉफ्ट को तो बताने की जरूरत नहीं है। डेटा पैटर्न्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ये भी कंपनी है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, चारों अपॉर्चुनिटी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे अभी न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ठीक है। तो इससे ऐसा होगा ना कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आप इजिली उस जॉब को एक्सेस कर सको। क्योंकि मैं हर बार ना ऐसा करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप सीधे सीधे अप्लाई कर सको, ज्यादा कोई यहाँ कुछ और ढूंढने की जरूरत ना पड़े। और एक और बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना सोशल हैंडल के लिंक वगैरह प्रोवाइड किए हुए हैं, तो अगर यहाँ कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो वहां पर मैं आपको इमिडिएटली रिप्लाई करूंगा, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वन बाय सबसे पहले हम डेटा पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जिनकी जॉब प्रोफाइल होने वाली है, ये होने वाली ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, ठीक है, और जो आपकी लोकेशन होने वाली है चेन्नई, वर्क फ्रॉम ऑफिस और परमानेंट जॉब होने वाली है, और जो बॉन्ड होने वाला आपका 3 साल के लिए होने वाला है, ठीक है। और तो 3 सालों में आपकी क्या ग्रोथ तो अच्छी होगी, सैलरी पैकेज भी काफी अच्छी इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, फर्स्ट ईयर में होगा आपका 3.6, देन आप आफ्टर कम्प्लीटिंग 1 ईयर 4.8 LPA, आफ्टर कम्प्लीटिंग 2 ईयर्स इट बिकम 6 LPA विद प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, मतलब PF फंड डिडक्शन के बाद, ठीक है, विद लिखा है, मतलब इसी में से होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो टोटली इंजीनियरिंग के लिए है ये, इसमें BE BTEC और ME MTEC वाले एलिजिबल है, और स्पेशलाइजेशन जो ब्रांच है इसमें कंप्यूटर साइंस इसमें एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं तो इसमें EEEE ECE E&I कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग ऑटोमिस एंड VLSI, और पासिंग ईयर आपका 21-22 है, और परसेंटेज क्राइटेरिया आपका है 60%, और जब आप अप्लाई करो कोई भी आपकी क्या बोलते हैं बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपको नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए, वी आर लुकिंग यहाँ पे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कि एनालॉग और डिजिटल सर्किट के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, AC और DC, LIC, OP, ट्रांजिस्टर, डायोड एक्सेट्रा, और गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए आप सब चीज़ें, अगर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे एकदम नीचे, मैं करके दिखाता हूँ, ये हम पहुँच गए, तो यहाँ पे आप सारा फिल करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट, जो कि 24 बैच वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ अब क्या क्या चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग 2024 इनरोल्ड इन अ फुल टाइम इंजीनियरिंग प्रोग्राम बैचलर मास्टर इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री आर रिलेटेड कोर्सेस, ठीक है, और 6 CGPA होना चाहिए या उससे अबव। ये एक ना चैलेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो किन किन चीजों पर काम होगा, फेस रिकग्निशन, डेटा एनालिस्ट, देन आपका एल्गोरिदम, देन स्केड्यूल भी देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन आपकी 11 तारीख से स्टार्ट होगी है, देन आपको 29 तारीख तक फाइनल सबमिशन करना है, 29 मई तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वन बाय वन देख लेना, ठीक है। देन हम आते हैं आपकी हैकर रैंक के ऊपर, जो कि एक इंटर्नशिप होने वाली है, समर इंटर्नशिप। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है पहले वो बात करते हैं। स्टेप टू अप्लाई, क्रिएट रेज्यूमे, डोंट अप्लाई लिंक्डइन ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 6 मंथ की फुल टाइम इंटर्नशिप होने वाली है, जुलाई से स्टार्ट होगी। प्लीज अप्लाई ओनली इफ यू आर अवेलेबल फॉर फुल टाइम, अगर आप 6 महीनों के लिए अवेलेबल है तभी अप्लाई करना, वरना नहीं करना। तो इस इंटर्नशिप में आप क्या ही होगा, ईच वन ऑफ यू विल बी पेयर्ड विद द मेंटर हु विल सपोर्ट यू थ्रू आउट द इंटर्नशिप, यू गेट पुश योर कोड इन टू प्रॉड एंड कंट्रीब्यूट टू मीनिंगफुल एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, ठीक है। यू विल बी डायरेक्ट एक्सेस टू ऑल एम्प्लॉयज टू द कंपनी एंड कैन ऑलवेज चैलेंज स्टार्टअप क्यू इनेबलिंग यू टू बी अ मोर डेटा ड्रिवन, वेदर यू आर ग्रेजुएटिंग एंड सीकिंग फुल टाइम पोजिशन आफ्टर योर इंटर्नशिप और होपिंग टू रिटर्न फॉर अनदर इंटर्नशिप नेक्स्ट ईयर, यू विल बी कंसिडरिंग
कंसीडर्ड फॉर अ रिटर्निंग ऑफर ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। ठीक है, आपको अप्लाई करना कहाँ से है, तो यहाँ वाला ऑप्शन है यहाँ से। ठीक है, देन आते हैं आपकी फ्रंट एंड इंटर्न होने वाली जो है हैकर अर्थ में, हैकर अर्थ में, और ये भी 6 मंथ की होने वाली है, जिसमें आपको 40,000 पर मंथ स्टाइफन भी मिलेगा। और उसके लिए आपको नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, यू हैव मास्टरी इन डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, देन यू आर लुकिंग फॉर सिग्निफिकेंट हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज इन ES6, देन यू टेक प्रायर वर्किंग एडवांस CSS एनिमेशन, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क सच एज नोड JS, रिएक्ट JS एंड एंगुलर, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ असिंक्रोनस रिक्वेस्ट हैंडलिंग एंड पार्शियल पेज अपडेट एंड AJAX, बेसिक नॉलेज ऑफ इमेज ऑथराइजिंग टूल टू बी एबल टू क्रॉप रिसाइज। ठीक है, देन यार क्या लिखा, कितनी चीजें मांग रखी है ना, देखो यहाँ पे CSS चाहिए, फिर जावास्क्रिप्ट चाहिए, ये आना चाहिए, देन आपको SEO आना चाहिए, फिर आपको रिडेक्स आना चाहिए, गेट आना चाहिए, मतलब ये इंटर्नशिप बंदा करना चाहता है 10 साल के एक्सपीरियंस जितना आप चीजें मांग ले रहे हो, समझ नहीं आता क्या करते हैं लोग यार। चलो बाकी बाकी आपको इतनी सारी चीजें आती हैं तो अप्लाई कर देना, बाकी देख ही सकते हो क्या क्या मांग रखा है यहाँ पे। वैसे यार सैलरी जितना दे रहे हैं उतना तो बनता ही है। ठीक है, तो बस फिर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।